हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि काश ऐसा कोई समय हो जब आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें या बोलें और वो भगवान सुन ले, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। नहीं, मैं फिलहाल यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं कर रही हूँ कि रात को सोने के पहले आप बोलिए जब सबकॉन्शियस माइंड फ्रंट में रहता है, सुबह तुरंत उठते हुए बोलिए जब सबकॉन्शियस माइंड फ्रंट में रहता है। वो आपके मैसेज को डायरेक्ट यूनिवर्स तक पहुंचाता है और आपके जीवन में जो इच्छा होती है वह पूरी होती है। हाँ, ऑफकोर्स ये थेरेपी भी वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है, पर इसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, आपकी इच्छा पूरी हो जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और जिस समय ऐसी परिस्थिति जो कि मैं बताने जा रही हूं वो आती है, तो जरूर से आप अपने विश पूरी करवा लीजिए यूनिवर्स से, बिना सबकॉन्शियस माइंड, बिना हिप्नोसिस, बिना कुछ स्पेशल मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम सीखे हुए। तो आई होप आप जरूर जानना चाहेंगे ऐसा समय एक्चुअली क्या होता है। हमारी लाइफ जो है, ऑफकोर्स हम रूटीन लाइफ जीते हैं, कभी कुछ तकलीफ होती है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। बहुत कोशिशों के बाद कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, और अचानक से कोई काम होता है तो हम खुश होते हैं। पर आप यकीन मानिए, ये 100% ट्रू है, ट्रुथ है ये, कि कुछ कुछ जो समय रहता है, कुछ एनर्जी ऐसी रहती है जो आपके सराउंडिंग हमेशा रहती हैं, और वो रियली चाहती हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी करे। लाइक एंजल्स वो सराउंडिंग रहते हैं और हमको दिखाई नहीं देते हैं, पर लकीली कभी कभी वो मैसेज देते हैं। अब मैसेज कैसे देते हैं? मैसेज में ये होता है कि अगर आप कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, या तो फिर कहीं कुछ वर्क कर रहे हैं, और आपको अचानक से एक सेट ऑफ नंबर्स दिखते हैं, जैसे 3 times, एटलीस्ट उसमें 3 होना चाहिए, 3 times रिपीट होना चाहिए चीज। जैसे 3 time आपको 1 दिखा, 4 time आपको अचानक से 1 दिखा, फिर आपने देखा कि कुछ समय के बाद अचानक से आपको 4 time 2 दिख रहा है, 3 time 2 दिख रहा है, 555 दिख रहा है, 4 time 5 दिख रहा है, 40 दिख रहे हैं। ऐसे अगर रिपीटेड आपको नंबर्स दिखते हैं तो उसका बहुत ज्यादा मायने होता है। जब बार बार आपको 1 नंबर दिखता है 4 digit में, 3 digit में, तो वो आपकी कोई ऐसी इच्छा जो आपको टारगेट मिलने के लिए, या फिर आपकी एजुकेशन के लिए, या बाहर कहीं जाके वर्क करने के लिए, फॉरेन जाने के लिए, या रुके हुए कोई काम करवाने हैं, पैसा कहीं अटका हुआ है वापस लाना है, तो इस प्रकार के समय में आपको बार बार 1 दिखता है। और जब बार बार 1 दिखता है, यूनिट मतलब एक ग्रुप दिखता है, 4 बार 1 दिखा, 3 बार 1 दिखा, तो उसका मतलब ये होता है कि अब यूनिवर्स इज रेडी टू वर्क फॉर यू। दैट मीन्स वो रेडी है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आप बोलिए तो सही, आप सिर्फ वो नंबर देखते हैं, खुश होते हैं, सोचते हैं कि ये नंबर हमको क्यों दिख रहा है। वो दिख रहा है, उसका सर्टनली रीजन रहता है। मैं इस फील्ड में बहुत लंबे समय से काम कर रही हूं, मैं चाहूं तो बहुत सारे ऐसे वीडियो बना सकती हूं जो कि इस सेंसेशन, इस वाइब्रेशंस और इस नंबर्स के क्या रिजल्ट रहते हैं बना सकती हूँ, पर टाइम की कमी के कारण और 4 pillar ऑफ डेस्टिनी के कारण मैं हर प्रकार के वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड करना चाहती हूँ, वास्तु के, हीलिंग के, माइंड ट्रेनिंग के, ज्योतिष के, तो इसीलिए बहुत सारे वीडियो एक सरीके नहीं कर पाती हूँ मैं अपलोड। पर ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ जिनको इस प्रकार का नंबर दिखता है और डिवाइन खुद पूछता है और वो नहीं जानते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत लोगों के द्वारा पूछा गया है। इवन मेरी बेटी ने भी पूछा, तो फिर मैंने उसे बताया और उसका 2-3 काम हुए, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं दूसरे लोगों के लिए भी, व्यूअर्स के लिए भी ये वीडियो बनाऊं। उसके बाद अगर आपको लगातार 2 number दिख रहा है बार बार, 3 times 2 दिख रहा है, 4 times 2 दिख रहा है, तो अक्सर उसका मतलब होता है कि कुछ रिलेशन संबंधी कुछ अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। जो एट प्रेजेंट आपका रिलेशन चल रहा है उसमें कुछ डिसीजन लेने का समय आ गया है इस प्रकार से, या कोई और भी इच्छा आप बोलना चाहते हैं, तो इस समय उस वाइब्रेशंस के टाइम पे, यानी कि जिस समय ये नंबर्स दिखते हैं, उस स्पेशल टाइम में आपको कुछ नहीं करना है, एकदम से रिलैक्स होना है, आंखें बंद करनी है और मन में ये सोचना है कि मेरी ये इच्छा यूनिवर्स ने पूरी कर दी
और थैंक्स। खास करके कई बार कई लोगों को 555 दिखता है, 4x5 दिखता है, तो उसका मतलब होता है कि आपके लाइफ में जो बहुत सारी उलझने चल रही हैं, बहुत सारे टारगेट चल रहे हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, सटल लेवल तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई स्पेशल प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल पा रहा है, और बार बार अगर 555 या 4x5 दिखता है तो इसका मतलब होता है कि आपको नियर बाय फ्यूचर में कोई ना कोई ऐसा हैंड मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। तो आप उसी समय इस प्रकार से अगर नंबर दिखे तो आंखें बंद कर लीजिए और इमेजिन करिए कि वो नंबर जो आपको दिखे उसको इमेजिनेशन में सोचिए और उससे प्रेयर करिए कि इन वाइब्रेशंस के द्वारा मेरे सारे, इस एंजल नंबर्स के द्वारा मेरी सारी जो भी समस्या है वो ठीक हो गई है और नाउ आई गॉट द गुड प्लेटफॉर्म। हालांकि इसमें फिक्स नहीं है कि अगर आपको 111 दिखा या 4x1 दिखा तो आपको रिलेशन की मतलब कि विश नहीं करनी है, आप कोई भी विश कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट रहता है सब कलर्स का, सब नंबर्स का, इसीलिए ही मैं आपको बता रही हूं। हालांकि कुछ कुछ कलर्स दिखते रहने का या अननोइंगली नोइंगली आप कपड़े एक जैसे रंग के ले आते हैं उसका सिर्फ रीजन आप पसंद करते हैं नहीं होता है, बल्कि वो कलर आपको अट्रैक्ट करता है। इसके ऊपर भी अगर मुझे प्लेंटी ऑफ कमेंट्स मिले तो मैं जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो इसको तो ध्यान से सुनिए। अगर 4x0 आता है उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहता है, बहुत ज्यादा महत्व रहता है। अगर 3x और 4x आपको 0000 दिखता है तो उसका मतलब होता है कि नाउ यू हैव टू स्टॉप, आप जिस चीज को कर रहे हैं बस वहीं पे रुक जाइए, आप हड़बड़ी मत करिए, आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए। जो आपका शहर है, जहां आप काम कर रहे हो, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम प्रमोशन लें कि नहीं, ट्रांसफर लें कि नहीं। प्रमोशन मिलता है तो आपको ट्रांसफर मिलता ही है समटाइम्स, पर अगर आपको उस समय सिचुएशन नहीं है तो आप हड़बड़ी करके मत लीजिए। 00 नंबर जो रहता है वो आपको वहीं पे रुकने के लिए बोलता है, पर उसके बावजूद भी अगर आपकी इच्छा है तो आप उससे प्रेयर कर सकते हैं कि एंजल्स आई डिमांड, आई रिक्वेस्ट, आई डिमांड भी बोल सकते हो, डिमांड इज, और आई कमांड, कमांड और अपना डिमांड, ये बेटर शब्द होते हैं, हालांकि थोड़े रूड लगते हैं सुनने में, पर रिक्वेस्ट डजन वर्क हियर। रिक्वेस्ट उससे करते हैं जो आपका अपना नहीं है, ये एनर्जीज आपकी अपनी है, समझने की कोशिश करिए। किसी और से मदद मांगने के बजाय आप यूनिवर्स से डायरेक्ट मदद मांगेंगे वो ज्यादा अच्छा रहता है। एंजल से ये मांगिए कि मेरी इस समस्या का समाधान आपने दे दिया है, मैं डिमांड कर रहा हूं कि एनर्जीज मुझे हायर प्लेस पे ले जाए और मुझे सक्सेस मिले। तो इस प्रकार से आपको सक्सेस मिल गई है, मुझे ये चाहिए, आई डिमांड इट, तो आई कमांड यू टू डू माई वर्क एज सून एज पॉसिबल इन यूनिवर्स। ये जरूर बोलना पड़ता है कि यूनिवर्स में पॉसिबल है तो ये काम मेरा तुरंत आपने कर दिया है। इस प्रकार का अगर आप वर्डिंग्स यूज करते हैं, इस प्रकार से आप अपनी एनर्जीज को, अपनी विश को बोलते हैं कि आपको यूनिवर्स ने वो काम करा दिया है तो थैंक्स। तो आई होप आप जरूर इस बात को समझेंगे, और जब कभी भी ऐसे नंबर्स दिखें, रिपीटेड 3 से ज्यादा नंबर बार बार दिखते हैं एक ही सरीके, तो आपको जरूर कुछ न कुछ इच्छा पूरी करने का एक अवसर, एक समय मिलता है वरदान मांगने का। मांगिए और रिलैक्स हो जाइए, हैप्पी हो जाइए। उसके पीछे चाहिए तो आप छोटी सी कोई लिटिल पार्टी कर सकते हैं, ग्रुप पार्टी, कि आपका काम हो गया है और इन एडवांस वो पार्टी दे रहे हैं आप। उस पार्टी देने से भी आपका फायदा होता है क्योंकि आपने उस चीज के मिलने की खुशी मना ली, तो यूनिवर्स को तो फिर आपके साथ ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आई होप कि आप उस बात को समझ रहे हैं और मैं क्या कहना चाह रही हूं, और अकॉर्डिंगली आप उसे जरूर फॉलो करेंगे और आपकी कोई ना कोई स्पेशल विश जरूर पूरी होगी, और जब वो विश पूरी हो जाए तो आप जरूर मेरे साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ हैप्पी हेल्दी एंड पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ।